Welcome to our channel. Food, fun and fun. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. आई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ और आज मैं आपको दिखाऊंगी होलसेल क्लब. ये है प्रेजिडेंट्स चॉइस, जो एक लॉबलॉज यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है उसका ये स्टोर है और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बल्क में मिलती हैं. सो इसका नाम है होलसेल क्लब एवरीथिंग फूड सर्विस और ये बिल्कुल हमारे टाउन में ही स्टोर है. और चले अंदर चलते हैं. जैसे मैंने आपसे कॉस्टको का जिक्र किया था, ये कॉस्टको का छोटा वर्जन है. कॉस्टको इज़ मैसिव. कॉस्टको में हर चीज़ मिलती है, ग्रोसरीज मिलती हैं और कपड़े मिलते हैं और अप्लाइंसेस मिलती हैं एंड एवरीथिंग. यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी सिर्फ आपको जो है वो मिलेंगी ग्रोसरीज और यहाँ पे मिलती हैं बल्क में जिस तरीके से पैकिंग की चीज़ें, जैसे जो लोग जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह चलाते हैं उनको टू गो बॉक्सेस लेने होते हैं, वो लेने होते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं. और यहाँ पे जैसे रेगुलर चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि खाली बल्क में ही मिलती हैं. ये देखें यहाँ पर सारी ये लोशन, शैम्पूज और ये यहाँ पे डायपर्स वगैरह भी बच्चों के मिलते हैं और सीजनल चीज़ें भी मिलती हैं. लेकिन कुछ चीज़ें, मेजॉरिटी चीज़ें हैं यहाँ पर जहाँ पर जिनमें इनके यहाँ बड़ी पैकिंग्स मिलती हैं. ठीक है, तो बड़ी पैकिंग हो गई, जैसे ये देखें ये बाउंटी का पैक मिल गया बड़ा. और यहाँ पे देखें, ये देखें, ये इनका 50% ऑफ का सेक्शन है. यहाँ पर क्या होता है कि हर कुछ चीज़ें 30% ऑफ, कुछ चीज़ें 50% ऑफ पे ये यहाँ पे लगा देते हैं. और देखें जैसे ये लिखा हुआ है 50% ऑफ और इस पे भी 50% ऑफ लिखा हुआ है. और ये जो है ना, इन्होंने छोटा सा एक सेक्शन बनाया हुआ है, इतना ज़्यादा ये मार्क तो नहीं है लेकिन इस पर यही एक सेक्शन है जहाँ पर 50% ऑफ की चीज़ें आपको मिलती हैं. ठीक है, इनका फ्रोज़न सेक्शन है ओपन, इसके अंदर प्रॉन्स और चिकन बर्गर्स और कुछ चीज़ें हैं. ज़्यादातर चीज़ें से ये देखें, ये लिखा हुआ है होल ब्रेडेड पॉपकॉर्न श्रिम्प हैं और यहाँ पे जो है वो कीमा मिलता है और गोश्त मिलता है. और ये देखें, ये हैं लैम्प होल शोल्डर चॉप्स और ये देखें ये हैं हलाल. ये न्यूजीलैंड के आए हुए हैं, न्यूजीलैंड स्प्रिंग लैम यहाँ पर कंपनी है उसके आए हुए हैं. काफ़ी प्राइसी होते हैं ये, $20 पर किलो है और ये तकरीबन 2 kg का बैग है, अबाउट $41 का. ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हलाल भी मिलती हैं. ये देखें, ये भी ये हलाल है, इसका नाम मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ है, रोज़मेरी एंड गार्लिक सीजन्ड, ये इस तरीके से वो है. और इसकी भी, इसकी प्राइस है $40 kg. वाओ, तो ये आई थिंक इस तरीके का इसमें अंदर पीस है, तो ये $40 kg का है. तो ये एक पीस है $18 का, तकरीबन 1 pound का पीस. इसी तरीके से यहाँ पर ये पाए मिलते हैं, ये केक्स बच्चों के और बहुत सारी किस्म किस्म की चीज़ें मिलती हैं. मैं आपको बस क्विक क्विक यहाँ राउंड करा देती हूँ और फिर मैं आपको इनका डेयरी सेक्शन, प्रोड्यूस सेक्शन बहुत क्विकली क्विकली दिखा दूँगी. जब डबल रोटी एक्सपायर होने में 2 दिन रह जाते हैं, तो 2 या 3 दिन तो ये जो है वो लगा देते हैं 30% ऑफ. यूजली ये 50 लगाते थे, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने ये 50 लगाई है या इनके पास स्टिक रखा था. ब्रेड का सेक्शन, यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड. ये देखिए यहाँ पर नान भी मिलती है, ये 10 pack 1 kg का पैकेट है नान का और ये $5 का है. और ये डील पे भी आता है कभी कभी. लेकिन देखिए यहाँ पे ये सारे नट्स और ये हैं यहाँ पे, ये आइसक्रीम कोन्स हैं. यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना. देखें ये, देखें ये 192 कोन्स का केसेस है, केस है ना, और इसमें बड़ा है ये, इसमें वॉफल बॉल्स हैं और ये $25 का है. ठीक है, नहीं इनफैक्ट ये जो है वो डिफरेंट चीज़ की प्राइस है. जो 192 वॉफल कोन्स हैं वो $70 की हैं. ये जहाँ बड़ी बड़ी जिनकी शॉप्स होती हैं ना, वो करते हैं यहाँ से शॉपिंग. ये है पीनट बटर फॉर $8. ये फोल्डर्स की बड़ी वाली कॉफ़ी है, जायंट. इट्स अ बिग फैट थिंग, इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ किलो एंड इट इज़ $13. देखिए मैं आपको यहाँ का एक हलाल सेक्शन दिखाती हूँ. ये देखिए, ये है इनका छोटा सा चिकन हलाल सेक्शन. यहाँ पे मिलती है चिकन और ये देखें, ये जब 2 या 1 दिन रह जाते हैं बेस्ट बिफोर में, तो ये लग जाती है डील पे. और ये मिलती है, यहाँ पे मिलते हैं ये वीनर्स और ये इनका छोटा सा हलाल सेक्शन ये है. और ये देखें, ये इनका एक और हलाल सेक्शन है जो कि फ्रोज़न सेक्शन है. वाओ, इट्स प्रीटी एम्प्टी राइट नाउ. ये बहुत ज़्यादा फुल हुआ हुआ होता है,
ये देखिए यहाँ पे मिलती हैं चिकन स्ट्रिप्स, जैसे मैंने आपको नो फ्रिल्स वाली वीडियो में बताया था, ये मिलती हैं यहाँ। देखिए ये है चिकन स्ट्रिप्स 17 कम अज़ कम इसमें पीसेज हैं, और ये 849 की है। ये देखें यहाँ पे ये डोनर जो शावरमा वगैरह बनाते हैं उसका है, ये 1699 का। ये चिकन ब्रेस्ट हैं 6299 के हैं ये। ये देखें यहाँ पे मिलते हैं बीफ बर्गर्स दो डिफरेंट ब्रांड्स के, ये ज़बिया हलाल है, ये सफरा है, ये 1699 के हैं। यहाँ पे बुफेलो विंग्स वगैरह भी होते हैं जो अभी एम्प्टी हुए हैं। और ये देखें ये भी है डोनर मीट का, ये भी हलाल है, और ये है $15 का है, ये 1499, और ये 1 kg है। ठीक है, बस ये केयरफुली लेना पड़ता है कि देखें ये भी रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है, ये हलाल है और ये हलाल नहीं है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब हम शॉपिंग कर रहे हों तो हम उसको देख के लें, और हम मीट वगैरह की जितनी भी चीज़ें लेते हैं उनको मेक श्योर करते हैं कि जो बैक एंड्स हैं हम वेरीफाई कर चुके हों कि ये वाकईतन हलाल हैं। ये देखें यहाँ पे मिलती हैं ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने आपको नो फिल्स में दिखाई थी, और प्रिटी मच या एवरीथिंग यहाँ पे मिलती है। चले मैं थोड़ा सा और आपको दिखाती हूँ जहाँ पे शान के मसाले वगैरह की यहाँ बड़ी रेंज है। यहाँ पे मिलती हैं बिग पैकिंग ऑफ हमारी जो देसी दालें होती हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी पैकिंग मिलती है, जैसे 5 किलो की पैकिंग ना, जो आपको छोटे रेगुलर स्टोर्स में नहीं मिलेंगी। ये देखें ये रखे हुए हैं, ये येलो पीस हैं होल। ये देखें ये है हमारी मटर की दाल, ये ग्रीन स्प्लिट पीस हैं, ये हमारी काबली चने हैं, ये हमारी मसूर की दाल, ये खड़े मसूर की दाल, ये ग्रीन लेंटल्स हैं, ये किडनी बीन्स हैं, और यहाँ पे और भी चीज़ें। ये देखिए अगर आपको छोटी पैकिंग चाहिए तो छोटी पैकिंग्स भी मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ की छोटी पैकिंग्स। और ये यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपको नूडल्स मिलेंगे, ये स्टिक मीडियम, ये वर्मिसली नूडल्स, ये इंस्टेंट एग नूडल्स, बहुत किस्मों के यहाँ नूडल्स मिलते हैं। ये हमारे फेवरेट हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। किसी दिन आपको जो है ना इसकी एक रेसिपी बना के दिखाऊंगी, इट्स वेरी क्विक एंड किड्स लव इट। आप किसी भी नूडल्स से बना सकते हैं, लेकिन हम ये वाले नूडल्स से बनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। ये देखें ये चिकन फ्लेवर्ड सीजनिंग है और इस पर हलाल लिखा हुआ है, लेकिन जब भी हलाल लिखा होता है ना तो बस ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ कहाँ की है। अगर तो प्रोडक्ट ऑफ किसी मुस्लिम कंट्री की है तो आप बिल्कुल आँख बंद करके ले लेते हैं, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट ऑफ किसी नॉन मुस्लिम कंट्री की है तो फिर आपको थोड़ी सी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। इंग्रेडिएंट्स अच्छा, कभी कभी ये होता है ये चिकन आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ठीक है, तो अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स में देखेंगी ना तो टेक्निकली तो इसके अंदर कोई चिकन है ही नहीं, ये सिर्फ चिकन फ्लेवर है, इसके अंदर कोई चिकन है ही नहीं। तो बस ये इन्होंने हलाल लिख दिया है मुसलमानों की पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, बट इसके ये सिंस इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्लेवर चिकन का, इसके अंदर चिकन का कुछ है ही नहीं, तो आप बस इसको ले सकते हैं क्योंकि मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ ली हैं, इट्स टोटली फाइन। ये देखिए इन्होंने बीफ फ्लेवर्ड सीजनिंग पे भी हलाल लिख दिया है जस्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक। अगेन अगर आप यहाँ इसकी इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे ना तो इसमें भी कोई भी बीफ की चीज़ ही नहीं है जो आपको वेरीफाई करनी हो, ठीक है। लेकिन देखें ये जो है ना, ये चिकन का ये जो ब्रॉथ है, ये जो नॉन हलाल है जिस पर नहीं लिखा हुआ, अगर आप इनकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा प्रोटीन या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं खा सकते हो। वैसे तो मुझे इसमें भी ओ या लुक देयर इज चिकन फैट इन इट, और इस पर तो हलाल लिखा ही नहीं है क्योंकि इस पर आर्टिफिशियल भी नहीं लिखा हुआ है, राइट, और ये प्रोडक्ट ऑफ यूएसए, तो इट्स अ नो नो। तो हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी केयरफुल होकर लेनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियल है तो ये देखिए यहाँ पर ये सब पिकल्स और ऑलिव्स और जितनी भी ये तुलसी वगैरह है, इनकी बिग मासिव पैकिंग मिलती है। ये देखें ये सालसा है, और ये देखें ये है मीडियम सालसा, कुछ हॉट सालसा होता है ये, यहाँ का जो सालसा है उसकी यहाँ की ये बहुत फेमस ब्रांड है, ये पेस के नाम से इनका सालसा सबसे ज़्यादा मज़े का होता है। लोग इनको वो जो टोर्टिया चिप्स आते हैं कॉर्न वाले, ये उनसे खाते हैं, लेकिन ये इसका बेस्ट वो है। ये है तकरीबन 3.7 liter फॉर $20। यहाँ पे भी डील लगती है, यहाँ पे भी देखिए ये छोटी पैकिंग्स भी आती हैं और बड़ी पैकिंग भी आती हैं। अगेन मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे लोकल ब्रांड्स का बहुत रवाज है। ये देखें ये है पीसी की ब्रांड प्रेजिडेंट्स चॉइस, और ये 899 की है। ये जो है ये इनका अपना लोकल अपना ब्रांड है, तो ये थोड़ा सा चीपर वर्जन होता है लेकिन टेस्ट बिल्कुल इसका अच्छा होता है। ये ठीक है तो मैं अभी आपको और चीज़ें दिखाती हूँ, और शान के मसालों की यहाँ अच्छी रेंज होती है शान के मसालों में, और यहाँ पे शान के मसाले हैं, अगर आप 4 या 4 से ज़्यादा लेंगे तो $2 ईच पड़ेगा, और अगर उससे कम लेंगे तो एक मसाला 229 का पड़ेगा। और ये भी इसकी वो ये है कि आपको 4 एक जैसे मसाले लेने हैं, यू कैन नॉट मिक्स एंड मैच, ठीक है। तो आपके पास ये हो गई सिंधी बॉम्बे बिरयानी, तंदूरी चिकन टिक्का, और ये हो गया चपली कबाब,
और ये हो गया कौरमा, और ये है चिकन मसाला। चिकन मसाला ऐसा है जैसे इनका जैसे करी पाउडर होता है ना, उस जैसे टेस्ट का आता है ये। और ये हो गया बटर चिकन, और ये मसाला कौन सा है ये देख लेते हैं। ये बटर चिकन ही फिर से रखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर ना ये भी अगेन देसी मसालों की बड़ी बड़ी पैकिंग्स मिलती हैं यहाँ पे। ये देखें, ये है क्यूमिन पाउडर, ये है 10 pound की पैकिंग, इट्स लाइक 4.5 kilo है। लेकिन ये जो है ना, ये कोई इतना ख़ास सस्ता नहीं पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो ये $48 है, विच इज़ लाइक $1 पर ग्राम पड़ रहा है तकरीबन। और ये देखें, यही चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 400 ग्राम 429 का है, तो ये भी तकरीबन $1 पर ग्राम पड़ रहा है। तो बड़ी पैकिंग लेने में कोई वो नहीं है, अनटिल अनलेस के कोई डील लगी हुई है। ठीक है, ये है ग्राउंड क्यूमिन, ये दो डिफरेंट ब्रांड हैं। ये है आई थिंक क्वालिटी का ब्रांड है ये, और ये एक इनका अपना ब्रांड है। और ये देखें यहाँ पर ये बड़ी पैकिंग्स हैं। ये है पेपरिका, जिसे इंडिया पाकिस्तान में कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं। ये इंडिया का कोई करी पाउडर है। ये काली मिर्च है, पिसी हुई, घर में हम पीसते हैं काली मिर्च, क्योंकि जो पिसी हुई काली मिर्च होती है उसमें इतनी खास कोई खुशबू नहीं होती। ये कुटी लाल मिर्च है, ये सौंफ, ये हॉट चिली पाउडर। आप देख रहे हैं ये पैकिंग्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, ये लाइक 1 kilo की पैकिंग। ये पिकलिंग स्पाइस है, ये कभी हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हुई हुई हैं, जैसे ये कोरिएंडर सीड्स, और ये देखिए आप सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। ये हैं, ये हल्दी यहाँ पे मिलती है, और ये साबित ज़ीरा है, और ये देखिए ये होल मिर्चें हैं, ये जो हमारे यहाँ जैसे जो भगार वगैरह में इस्तेमाल होती है ना। यहाँ पे गोल वाली मिर्चें नहीं मिलती, जिन्हें बटन वाली मिर्चें कहते हैं वो नहीं मिलती। ये देखें कितनी बड़ी पैकिंग है ये लॉन्ग की, वाओ इट्स मैसिव। और ये देखें, ये इसकी 5 pound है, और ये $70 की है, तो इट्स नॉट चीप। और ये देखें यहाँ पे ये बड़ी पैकिंग है तिल की, ये $22 का है 5 pound। और ये है ग्रीन कार्डमम, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये तकरीबन है 5 pound, विच इज़ 2.27 kg, और इसकी प्राइस है $150। इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं होती, लेकिन खुशबू इतनी ज़्यादा है कि ये पैक हुई भी है लेकिन मुझे खुशबू आ रही है यहाँ पे खड़े होने में ना। और ये देखें, ये है बड़ी पैकिंग 5 pound की काली मिर्चें, ये हैं तकरीबन $48 की। देन ये देखें, ये अजवाइन की ह्यूज ह्यूमंगस पैकिंग, अजवाइन तो इतनी महंगी नहीं होती, ये $20 की पैकिंग है 5 pound। और ये आ गया हमारा करी पत्ता, हम चीज़ों में डालते हैं, बड़ा अच्छा क्वालिटी के बड़े बड़े पत्ते हैं, और ये तो बहुत ही चीप है, ये है $6.5 का। वाह, ये $6.5 का है, इतना बड़ा पैक, सो इट्स प्रीटी चीप। ये जिंजर पाउडर है, ये है गरम मसाला, ये है मस्टर्ड सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स। और ये देखें, ये गार्लिक फ्लेक्स हैं, ये ना गार्लिक कटी हुई और ये फ्राई हुई हुई है, तो कुछ लोग ये इस तरीके से ले जाते हैं, इसका पाउडर वगैरह बना लेते हैं। और ये करी पाउडर अगेन दो तीन डिफरेंट ब्रांड्स हैं। और ये देखें यहाँ पर गार्लिक पाउडर भी मिलता है, ये गार्लिक पाउडर है 5 pound गार्लिक पाउडर है, और इसकी प्राइस है ये देखें 13.49 लगी हुई। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इनकी एक और लाइन। ये देखें यहाँ पे ये है ना, कुछ लबनानी और कुछ अरबी आइटम्स भी मिलते हैं। ये देखें, ये जो ब्रांड है ना, ये जो तमाम की जो ब्रांड है, ये प्रोडक्ट ऑफ लबनान है। ये देखें इस पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ लबनान, तो ये पूरी जो ब्रांड है ना, ये ऑल द वे, ये तमाम जिस पर लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ इनका, ये ताहिनी भी आती है, ये डिफरेंट एक और ब्रांड की ताहिनी आती है, ताहिनी या इट्स जस्ट सेसमी का पेस्ट होता है। तो ये है, ये मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा कि कौन सी ब्रांड का उसका है। और ये देखें, ये है स्वीट मैंगो चटनी, ये कोई इंडिया है। और ये देखें इस पे लिखा हुआ कि ये माइल्ड है, और ये जैसे हमारे यहाँ मीठी चटनी जैसे कहते हैं ना, क्योंकि इसमें जो अच्छा यहाँ पर ये होता है कि जो यूजली जो इंग्रेडिएंट्स लिखी होती है ना, इनका रूल ये होता है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जिस चीज़ की होती है ना, वो सबसे ऊपर लिखी हुई होती है। देखिए देखिए, शुगर लिखी हुई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्टेंट है वो शुगर है। फिर पील मैंगो की स्लाइसेज हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है 46%। फिर इसमें शुगर केन विनेगर डला हुआ है, और ये फिर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हाइएस्ट क्वान्टिटी टू लोएस्ट क्वान्टिटी जाती है। और ये देखें यहाँ पे ना, ये तंदूरी पेस्ट भी मिलता है, तो बस आप मसाला बनाने, हाँ मैंगो पिकल भी है, ये मैंने अभी पहली दफ़ा देखा है यहाँ पे। ये ब्रांड अशोका के नाम से है, यकीनन प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ही है। और ये देखें, ये मैंगो, इनका मैंगो पिकल है, और ये इनका मिक्स पिकल है, वेरी नाइस। और ये देखें, जो मैंने आपको तमाम की ब्रांड दिखाई थी, इसके ये टर्निप्स और ये ऑलिव्स भी मिलते हैं, और यहाँ पर इनका ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल भी मिलता है। ये देखें, ये 2.85 लीटर है, और ये $28 का है, तो कोई सस्ता तो नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वर्जन है। लेकिन यूजली एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का रूल ये है कि हमेशा जो है ना, वो डार्कर बॉटल में होना चाहिए, क्योंकि लाइटर बॉटल में होता है ना, तो इसका असर कम होता जाता है। तो यूजली मैंने आपको दिखाया होगा कि ज़्यादातर जितनी भी ऑलिव ऑयल्स मिलते हैं ना, वो डार्क बॉटल में मिलते हैं, तो ये नहीं है डार्क बॉटल में। चलिए मैं आपको और चीज़ें दिखा दूँगी, मंगस चीज़ें, ये थोड़ी जैसे चिली सॉस, ये देखिए स्वीट एंड सावर सॉस, टेरियाकी सॉस, और ये है यहाँ पे बड़ी सी
पैकिंग है, ग्राउंड फ्रेश चिली पेस्ट है, ये सिर्फ चिली पेस्ट है, और ये चिली गार्लिक सॉस है, बट इट्स अ वेरी बिग पैकिंग। आई विश कि अगर ये छोटी पैकिंग होती तो मैं कभी ट्राई करने की करती, क्योंकि बड़े मज़े का लग रहा है। स्पाइसी तो होगा, लेकिन मुँह में पानी आ रहा है देख के इसको। ये भी एक स्वीट चिली सॉस है यहाँ पे, ये हॉट पेपर पेस्ट है, और चीज़ें तो बहुत हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखें, ये है सराचा, ये यहाँ का बड़ा फेवरेट हॉट चिली सॉस है, ठीक है। और ये यहाँ पे हैं डिफरेंट ब्रांड टाइप्स ऑफ एप्पल साइडर एंड रेगुलर विनेगर, माल्ट विनेगर, ठीक है। और दिखाते हैं, ये तो वही रेगुलर केचप मस्टर्ड। ये देखें, यहाँ पे ना मेयोनीज़ वगैरह की भी ना बड़ी बड़ी पैकिंग्स आती हैं। ये देखें, ये ड्रेसिंग, इससे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आते हैं लोग जिनके रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो आते हैं तो वो यहाँ से करते हैं। ये देखें, ये है 20 लीटर की मेयोनीज़, दिस इज़ ह्यूज। और इसकी मैं आपको प्राइस दिखा देती हूँ, इसकी प्राइस है $91 और ये 20 लीटर है। ये अच्छा ब्रांड है, मुझे नहीं पता कि अगर ये मेयोनीज़ के लिए अच्छा ब्रांड है, लेकिन बेस्ट ब्रांड जो मेयोनीज़ का है ना, वो है हेलमेंस का ब्रांड, बेस्ट। यू कैन क्लोज योर आइज एंड जस्ट बाय दिस, इट्स अ बेस्ट वन। देखें, ये कुछ इनका वीगन आ गया है, आई थिंक इसमें अंडे नहीं डले हुए होते, लेकिन अदर देन दैट जो इनका रेगुलर हेलमेंस का मेयोनीज़ होता है वो बहुत मज़े का होता है। ये देखें, ये नया भी आ गया है इनका स्पाइसी मेयो, ठीक है। जल्दी से आपको एक अगली बड़ी वाली आइल दिखा देती हूँ, जिसमें ये देखेंगे बड़ी बड़ी पैकिंग होती हैं। ये है, ये ऑयल है, ये 16 लीटर ऑयल है, किनोला ऑयल फॉर 43.49। अच्छा, अब ये देखेंगे आप कि यहाँ पे मिलते हैं सनफ्लावर ऑयल, और ये देखें, ये है कैनोला ऑयल की इस तरीके की पैकिंग है, ये डिफरेंट ब्रांड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, ये इनका नो नेम का अपना ब्रांड है। तो ये 16 लीटर ऑयल है 43.49 का, और ये भी 16 लीटर है, लेकिन इसकी प्राइस है 53.89। तो डेफिनेटली आई वुड बाय दैट वन, जो चीपर है थोड़ा, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। ये देखें, ये है इनकी सूजी, सेमोलिना। और ये देखें, ये इनका है बेकर्स फ्लावर है, बड़ी बड़ी पैकिंग्स ना, ये देखें, छोटी भी मिलती हैं 10 kg वाली, लेकिन ये मिलती हैं 20 kg वाली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, या रेस्टोरेंट वाले जो लोग, या दूर जो लोग रहते हैं, और जो यहाँ से एक दफ़ा में बड़ी पैकिंग में शॉपिंग कर लेते हैं। ये 20 kg जो है वो शुगर है, $44 की। और यहाँ पे ये देखें, ये नट्स और सब कुछ बाकी मिलता है। ये देखें, यहाँ पे मैंगो पल्प भी मिलता है, वही वाली अशोका की ब्रांड का। और ये देखें, ये रोज़ वाटर है, ये ब्लॉसम वाटर है, ये पोमीग्रेनेट का कॉन्सेंट्रेट है, ये मैंने आज पहली दफ़ा देखा है। इसमें पोमीग्रेनेट जूस है, शुगर है, और सिट्रिक एसिड और सॉल्ट है। इट्स वेरी थिक, इट्स अ कॉन्सेंट्रेट, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एनी थिंग, इट्स फॉर सैलड्स, पीपल यूज़ इट फॉर सैलड्स, 369 फॉर 300 ml। और ये देखें, हाँ मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाती जाती हूँ। और चीनी, और ये देखें, यहाँ पे और आ गई ऑलिव ऑयल की स्प्रे। और ये देखें, ये आ गए यहाँ पे चावल, ये हैं चावल, ये तो कोई थाई चावल है। और यहाँ पे ये भी रेगुलर जो है, ये वाइट राइस है, ये कोई बासमती राइस नहीं होते, बस इस पर लॉन्ग ग्रेन लिखा होता है, लेकिन ये हमारे इंडिया पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आते, हमें तो वही ये बस टिल्डा। और यहाँ पे देखिए, बड़ी पैकिंग मिलती है, यहाँ पे मिलती है, जैसे जो पैकिंग्स है ना वो मिलती हैं 40 पाउंड की। ये देखें, ये 40 पाउंड की पैकिंग ये है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे चावल मिलते थे, अभी इतने ज़्यादा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहे हमारे इंडिया पाकिस्तान के चावल। ये क्वालिटी ब्रांड है, नॉट सो गुड, कोई इतना खास ब्रांड नहीं है। और ये एक ब्रांड है सेला चावल का, ये देखें, ये है 40 पाउंड $65 का, ये है सेला चावल है, ये बासमती राय, ओ इस पे तो बासमती राइस लिखा हुआ है। ये इनकी ब्रांड का सेला चावल भी आता है महारानी के नाम से। ये है सुपर गोल्ड, नो सुपर गोल्डन सेला, ये देखें, ये लिखा बासमती राइस तो है, लेकिन ये सुपर गोल्डन सेला है। सेला राइस में ये होता है कि ये काइंड ऑफ थोड़े थोड़े रबड़ जैसे होते हैं, इनको जितना भी पका लें ये कभी फैलते नहीं हैं। तो जो न्यूबीज़ लोग होते हैं, जो नया नया खाना पकाना सीखते हैं, वो अगर चावल इनसे बनाएंगे तो इनके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें, ये है व्यू, मैं क्विकली जा रही हूँ, एक आपको क्विकली टूर करा दूँ आपको उसका, क्या कहते हैं, प्रोड्यूस और डेयरी का, फिर निकल गया इनका डेयरी सेक्शन। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे चीज़ों की बड़ी बड़ी छोटी पैकिंग में मिलती है। और ये देखिए, ये 2 kg की, अच्छा जो चीज़ है ना, इस पर बहुत हमें केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ में या रेनेट होता है और या फिर ये लाइपेज डला हुआ होता है। ये देखिए, जो लाइपेज लिखा हुआ है ना, ये हम नहीं खा सकते, ये हराम इन्ग्रीडियंट है। तो या लाइपेज या फिर अगर रेनेट हो ना, तो फिर हम वो चीज़ नहीं लेते, तो हमें जो है ना उसके हिसाब से केयरफुल होना पड़ता है। अब जैसे अगर आप
इसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर आप देखें कि इसमें ना रेनेट है ना लाइपेज है, तो ये ठीक है ऐसी ही वाली हम चीज़ ले सकते हैं। या अगेन मैंने आपको बताया था ये नो नेम की ये पिज़्ज़ा मोज़रेला ब्रांड है, काफ़ी मज़े की होती है, इसकी मार्बल वाली भी हम ले सकते हैं। और ये देखें मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर चीज़ मिलती है। यहाँ पर ये पूरा ये वॉक इन फ्रिज है, तो यहाँ पर बहुत ठंड होती है और यहाँ पर जब इसकी वजह से ना यहाँ आवाज़ भी बहुत है। और ये देखें ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये इन्होंने बनाया हुआ है क्लियर आउट सेक्शन, तो जो चीज़ क्लोज टू एक्सपायरी होती है वो यहाँ पे ये देखें 50% ऑफ पे लग जाती है। ये देखें ये छोटा सा दूध है और बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ये क्रीम चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं, ये हर्ब एंड स्पाइस है, ये रेगुलर वाली है, और ये जो है वो हर्ब एंड गार्लिक है, ये अनियन का डिप है, और ये वाला भी इंग्लिश में अगर हम इसे पढ़ें तो ये डिल पिकल है, और यहाँ पे फ्रेंच जो है वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हर चीज़ जो भी आपको मिलती है वो देखें यहाँ पे ये सावर क्रीम लिखा होगा, फिर ये क्रीम सोप जो है वो फ्रेंच में लिखा हुआ होगा, तो हर चीज़ यहाँ पे ये देखिए छोटी व्हिपिंग क्रीम है, बड़ी भी मिलती है छोटी भी मिलती है, ऑल द वे। ये है यहाँ पे ये बड़ी बड़ी सावर क्रीम की बड़ी पैकिंग है, और ये देखें ये मक्खन है, मक्खन नो नेम ब्रांड रेगुलर ब्रांड, और ये सारे मार्जरीन है, ठीक है ये सारे ऑल द वे आपको नज़र आ रही है पूरी ऑल द वे, ये मार्जरीन की पूरी शेल्फ है विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी। और ये देखें ये हैं डेरी सब्स्टिट्यूट्स हैं यहाँ पे, जो लोग डेरी नहीं पी सकते वो ये आलमंड मिल्क पीते हैं, सोया मिल्क पीते हैं, और ये देखें यहाँ पे ये ना पूरा इस तरीके से मिलती है लिक्विड होल एग, तो ये जो है ना वो लिक्विड होल एग्स इस तरीके से होते हैं, और ये बस उसके अंदर है आप पोर करें और निकाल लें, ये तकरीबन 1 kg हैं 6.919 के, और ये खाली लिक्विड एग वाइट्स हैं, तो इसमें सिर्फ एग वाइट्स है इसमें वो नहीं है, और लोग इसको यूज़ करते हैं ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए ना, तो ये देखें इसमें बस सिट्रिक एसिड और लिक्विड होल एग्स डले हैं, और ये इनका मेजर बड़ा ब्रांड है गॉर्डन चॉइस का, काइंड ऑफ लाइक अ जेनेरिक ब्रांड, और ये इनका है और ये बर्नबरी यहाँ पे एक कंपनी है अंडों की उसका ब्रांड है। ये देखें ये ईस्ट मिल रहा है यहाँ पे, बेकर्स सेलेक्ट ईस्ट है ये, इट्स वेरी थोड़ा सा गीला गीला है, इट्स नॉट लाइक पाउडर फॉर्म। और ये देखें ये पूरी इनकी शेल्फ है, डिफरेंट काइंड ऑफ योगर्ट योगर्ट ड्रिंक्स ये पूरी शेल्फ है यहाँ पे, जूसेस की यहाँ पे मिलते हैं इनके होमोस और बाकी दूसरी चीज़ें, या ये है इनका डेरी सेक्टर, तो वैसे ये रेगुलर इसमें कोई ख़ास मेजर चीज़ नहीं है, ये जो डिफरेंट चीज़ है जो और स्टोरों में आपको नहीं मिलेगी वो ये देखिए यहाँ बड़ी बड़ी पैकिंग्स मिलती है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे ये इस तरीके की पैकिंग मिलती है, कुछ लोगों ने ये बॉक्स वगैरह खोल दिए, टू गो बॉक्सेज हैं, और ये बड़े बड़े यहाँ पे जो है ना वो जार्स, और ये देखिए यहाँ पे लोग बड़े बड़े जो है ना वो रेस्टोरेंट्स वाले जो है ना इस तरीके से ये चीज़ें लेने आते हैं, इट्स क्वाइट प्राइसी। ये देखें कितने बड़े बड़े यहाँ पे पतीले हैं और डिफरेंट फ्राइंग पैन्स हैं, पतीले हैं, और इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट टाइप स्टफ राइट। तो ये देखें ये हैं चॉपस्टिक्स इंडिविजुअली पैक हुई भी, और यहाँ पे देखें बड़ी बड़ी हर चीज़ मिलती है, और ये देखें ये सिजलिंग कास्ट आयरन का स्क्वायर स्किलेट है, जब लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो इस तरीके से पेश करते हैं सिजलिंग, तो ये सिजलिंग की ट्रे और ये सिजलिंग पैन है, और ये देखें ये सारी इनकी बड़ी बड़ी पैकिंग्स हैं हर चीज़ की ना, ये देखें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू गो बॉक्सेस, यहाँ पे बड़े बड़े केक बॉक्सेस मिलते हैं, जो लोग बेकिंग करते हैं अपना बिजनेस करते हैं बेकिंग का, और हर चीज़ जो है ना वो मिलती है। देखिए ये हैं यहाँ पर ब्राउन पेपर टिशू पेपर्स हैं, और ये कप्स हैं, और क्योंकि मैं आपको बहुत क्विकली दिखा रही हूँ वरना तो वीडियो जो है ना वो एक घंटे की हो जाएगी, और ये देखेंगे पूरी डिफरेंट ब्रांड्स की ये चिप्स हैं, डोरीटोज हैं, लेस के चिप्स हैं, और ये पानी वाटर बॉटल्स, और ये प्रिंगल्स रेगुलर वही मैंने आपको बताया ना यहाँ पे रेगुलर चीज़ें भी मिलती हैं और बड़ी सारी सी चीज़ें भी मिलती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ इट विद द स्टोर एंड चलें। वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे,
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और ज़रूर हमारी वीडियोस देखें। चलें जी, कीप वॉचिंग फूड फन एंड हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।